ये प्रमोशन में आरक्षण आपने दलित समाज को क्यों खा गया, क्यों रोक दिया? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी के दबाव में एससी समाज के प्रमोशन में आरक्षण आपने रोक दिया? क्यों दलितों से आपको नफरत है? किसके दबाव में है? आप सठिया गए हैं, आप नर्वस हो गए हैं, आप मानवता को शर्मसार कर दिए हैं। एक बलात्कारी मुख्यमंत्री, इस व्यक्ति ने लोकतंत्र का बलात्कार किया है, एक सड़क छाप गुंडा के तरह बयान, और उससे भी बढ़ का बयान तेजस्वी यादव का आया। किस तरह से देखते आज आरक्षण बिल पेश होने वाला है? आरक्षण बिल का भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और विधान परिषद में सभी विधायकों ने, हम लोगों ने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और समर्थन किया है, और आज भी समर्थन करेंगे और सरकार से तो हम मांग भी करेंगे। जो अभी भी आरक्षण के रोस्टर में कहीं ना कहीं आपके द्वारा कंपाई है, अब एससी समाज का जो आरक्षण आप दे रहे हो 16 से आप 20% करने जा रहे हैं, 4% अब बढ़ा रहे हो। एक तरफ एससी समाज के आरक्षण की बात बोलते हैं, अति पिछड़ा समाज के आरक्षण की बात बोलती है, भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ सबके विकास की बात बोलती है, लेकिन आप जो आरक्षण की बात कर रहे हो, ढोंग रच रहे हो, लॉलीपॉप दिखला रहे हो, तो जो बिहार भर में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के दलित समाज के जो सरकारी कर्मचारी है, राज कर्मचारी है, उसका प्रमोशन में आरक्षण आपने क्यों रोक दिया? आज से एक महीना पहले आपने प्रमोशन में आरक्षण कर दिया, सबको आरक्षण आरक्षण आपने दे दिया, लेकिन बिहार में जो अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग जो है, राज कर्मचारी है, उसका प्रमोशन में आरक्षण आपने रोक दिया। तो नीतीश कुमार जी, आप जो बिल ला रहे हो उसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं मांग करता हूँ आपसे, आज सदन में अपने बातों को हम सभी अनुसूचित समाज के सभी विधायक इस बातों को रखेंगे, ये प्रमोशन में आरक्षण आपने दलित समाज को क्यों खा गया, क्यों रोक दिया? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी के दबाव में एससी समाज के प्रमोशन में आरक्षण आपने रोक दिया? क्या यही आपके दोहरी चरित्र है? क्या आप दलित विरोधी बनना चाहते हैं? क्यों दलितों से आपको नफरत है? किसके दबाव में है? आप सठिया गए हैं, आप नर्वस हो गए हैं, आप मानवता को शर्मसार कर दिए हैं, आपको शर्म लगना चाहिए। आपसे यदि बिहार नहीं संभलता तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए ना, दलितों के मान सम्मान के साथ और उसके अधिकार के साथ हनन तो मत कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक हम लोग इस बात को रखेंगे। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने अपना राय दिया था जनसंख्या नियंत्रण पर, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो राय है जनसंख्या नियंत्रण पर, बिहार के लोग जो भी शिक्षित है, अशिक्षित है, किसान है, सभी समाज के लोग निश्चित से बिहार के हित में जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो उस पर अपना अपना काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार का इनको बयान आया, पूरा मानवता, बिहार ही नहीं पूरे देश के महिलाओं के साथ अपमान इन्होंने किया है, पूरा मानवता शर्मसार हो गया। इन्होंने एक बलात्कारी मुख्यमंत्री, इस व्यक्ति ने लोकतंत्र का बलात्कार किया है, एक सड़क छाप गुंडा के तरह बयान, और उससे भी बढ़कर बयान तेजस्वी यादव का आया। हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे, नीतीश कुमार जी माफी भी, लेकिन नीतीश कुमार जी जिसका जैसा संबंध हुआ, वो आरजेडी के साथ जाकर जंगल राज की तरह बयान, हमको लग रहा है जो निश्चित रूप से मानसिक रूप से नीतीश कुमार जी विक्षिप्त है, या कोई साजिश कर रहा है उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त करने का। नीतीश कुमार जी इसको लेकर के माफी भी मांगे हैं सर? देखिए, माफी मांगना, किसी को तबराक मार दीजिए माफी मांग दीजिए, किसी को जब्बा कर दीजिए माफी मांग दीजिए, क्या किसी को हत्या कर दीजिए माफी मांग दीजिए, अगर यही माफी मांगना है तो जो भी कानून व्यवस्था है उस पर सारा धरा हटा दीजिए ना, माफी मांग लेगा लोग? माफी मांगने से हमेशा न्याय नहीं मिलती। आपने वैसा काम किया है, संवैधानिक पद पर है आप, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की पद की अपनी गरिमा होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है लखेंद्र पासवान जी, पातेपुर से विधायक है, इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीजों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए।